हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन फिट एंड फाइन। आप लोग सारे एक्टिविटीज़ देख रहे हो ना बच्चों? आपको एक्टिविटी के साथ साथ एजुकेशनल वीडियोस भी आपको देखने हैं और आपके जो जूम पीरियड्स होते हैं वो भी आपको अच्छे से अटेंड करने हैं ताकि आपके जो डाउट्स हो वो क्लियर हो सकते हैं। तो आज हम जो नई एक्टिविटी करने वाली है, तो क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो पेपर्स है जैसे कि कलर्स पेपर होते हैं, न्यूज़ पेपर होते हैं, उससे हम एक्टिविटी करेंगे। वेस्ट में से हम बेस्ट बनाएंगे। तो पहले एक्टिविटी मैं नर्सरी के बच्चों के लिए बनाऊंगी। पहले हम एक पेपर के ऐसे हम काट लेंगे, पतली पतली स्ट्रिप काट लेंगे, उससे हम क्या बनाएंगे, फ्लावर बनाएंगे। और बड़े बच्चों, आपको खुद को नहीं काटना है, आपके मम्मी की आपको हेल्प लेनी है इस तरह से। आप कोई भी पेपर ले सकते हो, आपका जो नोटबुक्स होती है, न्यूज़पेपर हो है, वैसे आपको लेने। फिर हम एक सर्कल काट लेंगे। फ्लावर्स, आपको फ्लावर्स के बहुत सारे आप बना सकते हो पेपर के। जैसे हम गणपति में, जन्माष्टमी में डेकोरेशन करते हैं, दिवाली में डेकोरेशन करते हैं, तो आप पेपर फ्लावर भी यूज़ कर सकते हो। अभी हम इसे ज्वाइन कर लेंगे इसे, फिर यहाँ पे हमें लगाना है। इसे सारे आपको ज्वाइन करके लगाना है। वन टाइम ऐसे लगाने के बाद इसके ऊपर वापस हमें फ्लावर लगाना है। आप कोई भी एक कलर ले सकते हो या कलरफुल भी आप बना सकते हो। आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको मार्केट में जाके ही लाना है, पर आपको ये एक्टिविटी करनी ही है। मैं यहाँ पे तीन कलर लिए हैं, पिंक, पर्पल और ब्लू। आप ग्रीन, येलो या फिर से येलो, या आप न्यूज़पेपर, वेस्टेज पेपर, ये भी आप ले सकते हो। आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आपको पेपर फ्लावर बनाना है। Thank you.
अभी हम बीच में और एक पेपर लगाएंगे। ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया। इस तरह अब हम यहाँ पे नीचे एक स्टिक लगाएंगे। यहाँ पे हम ऐसे फ्लावर में लगा देंगे। आपको ऐसे बना के आपके एक पिक मैम को भेज देनी है। अभी हम जूनियर केजी की एक्टिविटी देखेंगे। इसमें हम पिगविन बनाएंगे। तो पिगविन के लिए हम एक ब्लैक पेपर एक वाइट पेपर चाहिए। आपने पिगविन तो देखा होगा ना, जो बर्फ के प्रदेश में रहता है, जो पानी में ही हमेशा रहता है, जो बर्ड भी है और एनिमल भी है। पहले हम ब्लैक पेपर पे एक शेप देंगे। आपको पिगविन का शेप तो पता है ना। इस तरह से फिर हमको इसको काट लेना है। बच्चों आपको खुद को नहीं काटना है, आपको मम्मी की हेल्प लेनी है काटने के लिए। अभी हम वाइट शेप काटेंगे। पिगविन कौन से कलर में होता है? वाइट एंड ब्लैक कलर में होता है। ऐसे हम कम लगा के इसमें ऐसे बीच में चिपकाएंगे। फिर हमने आइस बनाई है, वो आइस चिपकाएंगे। उसके बाद हम यहाँ ऐसे मुंह बनाएंगे। उसके बाद हम हैंड्स बनाएंगे। इसे आपको दोनों एक जैसे काट लें।
इसको हम साइड में से चिपकाएंगे। फिर हम नीचे पाव बनाएंगे। आप पिविंग की जगह कोई भी बर्ड्स या एनिमल बना सकते हो जो आपको इजी लगे। आपको मजा आता है ना ऐसे एक्टिविटी करते पढ़ने में। अभी थोड़े दिन में तो हमारी स्कूल चालू हो जाएगी, तब हम एक्टिविटी फिर से करेंगे। तब मैं सबको पूछूंगी देखो अभी इस पे हम चिपकाएंगे। ये हमारा पिगमेन रेडी हो गया। अब बीच में हम ब्लैक ब्लैक आइस बनाएंगे। ये हमारा पिगमेन रेडी हो गया है। ऐसे ही आपको एक्टिविटी करके अपना पिक मैम को भेज देना है। अभी हम सीनियर के जी की एक्टिविटी देखेंगे। आपको कोई भी पेपर ले लेना है और आज हम कैट फेस बनाएंगे। कैट का फेस या डॉग का फेस ऐसे आपको एक जैसा पेपर लेना है। आपको दोनों साइड सेम है कि नहीं चेक कर लेनी है। अभी इसको आपको एक जैसा दोनों साइड से ऐसा फोल्ड करना है इस तरह से। फिर ये आपको ऐसे थोड़ा सा इस साइड फोल्ड कर लेना है। ये देखो इस तरह से। अभी हम यहाँ पे आइस बनाएंगे ऊपर। इस तरह से फिर हम यहाँ पे कैट की नोज बनाएंगे।
इस तरह से हमारा कैट का फेस रेडी हो गया। इस तरह से आप डॉग का फेस, टाइगर का फेस, फिर कोई भी आप फेस बना सकते हो, जैसे कि माउस, रैट आप इसे बना सकते हो, या रैबिट, ऐसे आप पेपर के एनिमल फेस बना सकते हो। इसी तरह से आपको घर पर रह के सारे एक्टिविटी करनी है और अपना पिक मैम को भेज देना है। थैंक यू बच्चों।